तो अभी हमने देखा था कि न्यूरॉन्स का जो एक्सॉन है वो एक्सॉन की मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। ध्यान रखना बच्चों, ये मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में कैसी है? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब बाहर और अंदर के चार्जेस डिफरेंट है। क्योंकि ये मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है, इट इज एक्साइटेबल। आप अपनी बॉडी के जितने सेल्स हैं सबकी मेम्ब्रेन्स को एक्साइट नहीं कर सकते हो। एक्साइटेबल क्या होते हैं? खाली न्यूरॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। ओके, नाउ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मैंने पहले भी आपको बताया कि तीन चीजें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, सोडियम आयन चैनल, पोटेशियम आयन चैनल, और जो तीसरा है वो है सोडियम पोटेशियम पंप। तो पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ व्हाट डू आई मीन बाय दिस चैनल। एक हम लोग डायग्राम देख लेते हैं तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। सो इफ यू सी दिस डायग्राम, डायग्राम दिख रहा है बच्चों? यस मैम, यस मैम। ओके ग्रेट। अब यहाँ पे देखो, लेट मी टेक अ पॉइंटर। ये वाली जो है ये आपकी एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये एक्सॉन की मेम्ब्रेन का अंदर वाला चीज है, इनसाइड, और ये है एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट। अब आप देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेंगे। तो जैसे कि ये वाला जो है ये पोटेशियम चैनल है, और पोटेशियम कैसा है? हमारा डायमंड शेप का। तो पोटेशियम बाहर जा रहा है और सोडियम जो कि सर्कल है वो अंदर आ रहा है। इतना समझ में आया? यस मैम, यस मैम। मेम्ब्रेन हमारी जो है वो पोलराइज्ड है, इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इनसाइड एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आउटसाइड। ये भी क्लियर है? ये है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एनर्जी यूज करेगा। जितनी बार दो पोटेशियम अंदर आएंगे उतनी बार तीन सोडियम बाहर जाएंगे। ये क्लियर? यस मैम, यस मैम। लेट अस गो टू द स्लाइड शो अगेन, देन टेक्स्ट पढ़ लेते हैं आप। सो वी वेर सेइंग के हमारा जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेबल है, और अभी जब वो रेस्टिंग स्टेट में है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं हुआ है, कोई स्टिम्यूलस आया ही नहीं है, तभी भी मेम्ब्रेन कैसी है? मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। क्यों पोलराइज्ड है? क्योंकि सोडियम एंड पोटेशियम आयन चैनल्स कंटिन्यूअसली सोडियम को बाहर भेज रहे हैं, पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज पोलराइज्ड। ओके, अब ये जो आयन चैनल्स हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, द आयन चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स। कैसे हैं ये? सिलेक्टिवली परमिएबल, सबको नहीं जाने देते हैं, किसी किसी को ही जाने दे रहे हैं। तो रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज का मतलब क्या हुआ? जब कोई स्टिम्यूलस आसपास प्रेजेंट नहीं है, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होता है? व्हेन द न्यूरॉन is not conducting any impulse at all, उस वक्त एक्सॉन का मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? पार्शियलिटी कर रहा है। इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम, पोटेशियम को अंदर आने दे रहा है, पर सोडियम को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने दे रहा है। समझ आई ना आपको ये बात? What is this membrane doing? ये हमारा एक्सॉन है, और ये एक्सॉन पोटेशियम को तो अंदर जाने दे रहा है, लेकिन सोडियम को उसने बाहर ही रोक के रखा है। सोडियम इज नॉट अलाउड इनसाइड, क्योंकि पोटेशियम अंदर जा रहा है पर सोडियम अंदर नहीं जा पा रहा है। रेस्टिंग फेज में हमारा मेम्ब्रेन कैसा है? हमारा मेम्ब्रेन पोलर है, मतलब नेगेटिव। तो देखो, ये सोडियम को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। कौन से नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स या कौन से नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स? तो
हम आगे पढ़ेंगे कि जो प्रोटीन होते हैं वो बने हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड तीन तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म का मतलब क्या है? न्यूरॉन के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो देखो एक्सोप्लाज्म में दो चीजों की एंट्री बैन है, किसकी किसकी? एक तो सोडियम आयन की, दूसरा नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन की। तो क्योंकि ये दो चीजों की एंट्री बैन है, और क्या अंदर आ सकता है? सिर्फ पोटेशियम इज अलाउड इनसाइड। तो इसकी वजह से क्या हुआ है वो भी देखिए, इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड है। सो हाउ इज द मेम्ब्रेन पोलराइज्ड? Inside exoplasm of axon, there is high concentration of potassium ion and negatively charged protein and low concentration of sodium ion. तो इसको मैं यहाँ पे draw करके आपको फिर से बता देती हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये है मेरा axon, यहाँ axon में what is allowed? पोटेशियम आयन अंदर जा सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऑलरेडी अंदर है, और उसकी वजह से अंदर वाला साइड कैसा हो गया है? नेगेटिवली चार्ज्ड। कैसा है अंदर वाला साइड? नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्या अंदर नहीं आ सकता है? सोडियम अंदर नहीं आ सकता है। तो क्योंकि सोडियम बाहर ही है और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अंदर हैं, इसलिए ये वाली साइड कैसी हो गई? ये वाली साइड हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड। और क्योंकि बाहर इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, अंदर इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ऐसी मेम्ब्रेन को हम कैसा बोलेंगे? ऐसी मेम्ब्रेन को हम पोलर बोलेंगे। इतना समझ में आया बच्चों? यस यस मैम। बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स भी अंदर ज्यादा है, बाहर नहीं है। ओके, नाउ सो व्हाट हैपेंस आउटसाइड द एक्सॉन? द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन्स लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स, क्योंकि पोटेशियम आयन्स तो सारे अंदर आ गए हैं, and high concentration of sodium ion, क्योंकि sodium ion को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ? Concentration gradient हुआ, बाहर positive concentration ज़्यादा, अंदर negative concentration ज़्यादा। तो जब एक concentration gradient buildup हो गया, अब क्या होगा? अब hero आएगा। Hero कौन है हमारा? Sodium potassium pump। क्या करेगा ये सोडियम पोटेशियम पंप? सोडियम को अंदर नहीं आने दे रहे थे ना, अब ये सोडियम को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगा। एक्टिवली मतलब एटीपी खर्च करना पड़ेगा इसके लिए। अब ये क्या करेगा? सोडियम को अंदर आने देगा और पोटेशियम जो बाहर नहीं जा रहा था उसको बाहर निकालेगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? इट विल ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आयन्स आउटवर्ड्स फॉर 2 पोटेशियम आयन्स इनसाइड द सेल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है? अभी हम बात कर रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक बात समझ लेना, सोडियम बाहर ही रहेगा और पोटेशियम अंदर ही रहेगा। तो ये ऑलरेडी था, पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए आपको पंप लगेगा। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, सपोज एक नॉर्मल कंडीशन है जहां पे बाहर की जो साइड है वो पॉजिटिव है और अंदर की साइड नेगेटिव है, तो क्या होगा? ये पॉजिटिव आयन्स अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ऐसा कोशिश करेंगे कि जितने पॉजिटिव बाहर हैं उतने ही पॉजिटिव अंदर हो, जितने नेगेटिव अंदर हैं उतने ही नेगेटिव बाहर हो। ये नॉर्मल है। Things will always try to flow in such a way
कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों जगह बराबर बराबर हो जाए, पर ये कॉन्सेंट्रेशन को बराबर नहीं करना है, ये कॉन्सेंट्रेशन को ऐसा रखना है कि बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है। तो अब ये जो पंप है ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए इट विल सेंड पॉजिटिव आयंस आउट एंड नेगेटिव आयंस इन। तो क्या बाहर जा रहा है मुझे बता सकते हैं, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या बाहर भेज रहा है मुझे बताइए? पोटेशियम। कितने पोटेशियम? पॉजिटिव टू पोटेशियम, थ्री पोटेशियम। कितने पोटेशियम बाहर भेज रहा है? कितने पोटेशियम बाहर जा रहे हैं? सॉरी आई एम सॉरी, सोडियम, गलत बताया आपने। सोडियम पोटेशियम पंप किसको बाहर भेज रहा है? सोडियम को ही बाहर भेज रहा है, क्योंकि आपको मेम्ब्रेन कैसी रखनी है, पोलराइज्ड रखनी है, अभी इसको डीपोलराइज नहीं करना है। तो वो सोडियम को बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को अभी भी अंदर ला रहा है। कितने सोडियम बाहर? थ्री। और कितने पोटेशियम अंदर? टू। टू, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहा है। सोडियम पोटेशियम पंप इज मूविंग सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। हाउ? सोडियम इनसाइड, सॉरी, थ्री सोडियम आउटसाइड एंड टू पोटेशियम इनसाइड। तो बेसिकली मेम्ब्रेन जैसी थी ना वैसी ही रही। कैसी रही मेम्ब्रेन? मेम्ब्रेन रही पोलराइज्ड, जहां पे सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है। इतना क्लियर? यस मैम। यस। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस, जैसे मैंने आपको बताया, ये पोटेशियम चैनल, सोडियम चैनल एंड सोडियम पोटेशियम पंप, ये तीनों की वजह से क्या हुआ, ये तीनों की वजह से मेम्ब्रेन हमारी हो गई पोलराइज्ड, जहां पे आउटर सरफेस हैज गॉट पॉजिटिव चार्ज एंड इनर सरफेस हैज गॉट नेगेटिव चार्ज। और इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और हमारी मेम्ब्रेन है पोलराइज्ड। तो एक बार मैं फिर से क्लियरली आपको बता दूं दैट सपोज दिस इज माय एक्सॉन, दिस इज माय एक्सॉन, तो यहां पे बाहर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इसकी डिजिटल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और हमारी मेम्ब्रेन अभी कैसी है, पोलराइज्ड, और स्टिम्यूलस अभी नहीं आया है, एक्शन पोटेंशियल अभी जनरेट नहीं हुआ है। इतना क्लियर बच्चों? मैम सलील सर की लिंक आ गई अभी। आई गॉट इट। तो क्लास अभी यही खत्म करते हैं हम, ठीक है, यू कैन लीव द मीटिंग।